ये क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर चैप्टर चल रहा है, उसके थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 10.1 के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं और नोट हैं जो आपको आज मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 10.1 का सब लेक्चर इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, ताकि 10.1 एक्सरसाइज आपको आसानी से बनाने में हेल्प मिल जाए। आइए जानते हैं नोट क्या है। देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है, वेक्टर को जब हम वेक्टर से जोड़ते हैं, वेक्टर को जब हम वेक्टर में जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? वेक्टर ही होगा। दूसरा में बोल रहा है, वेक्टर को जब हम वेक्टर में से घटाते हैं, मतलब वेक्टर को हम वेक्टर से माइनस करेंगे तो वेक्टर ही होगा, ठीक। और तीसरा में है, वन बाई वेक्टर करेंगे, वन बाई वेक्टर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वेक्टर को वेक्टर से ही हम भाग बटा कर सकते हैं, ठीक है बाई, तो यहाँ इसका नॉट डिफाइंड आंसर हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चौथा में देखिएगा, चौथा में जब हम वेक्टर को स्केलर में जोड़ रहे हैं, वेक्टर को क्या चीज में जोड़ रहे हैं? स्केलर में जोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड किस लिए होगा? तो क्योंकि हम वेक्टर को कभी भी जोड़ेंगे तो वेक्टर से ही जोड़ेंगे, वेक्टर में वेक्टर ही जुटता है, वेक्टर में स्केलर कभी नहीं जुटता है, इसीलिए वेक्टर नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। पांचवा में, वेक्टर को हम स्केलर घटाते हैं, वेक्टर में से स्केलर घटाते हैं तो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। वेक्टर को जब स्केलर से घटा रहे हैं तो नॉट डिफाइंड हो रहा, और वही वेक्टर को हम वेक्टर से घटा रहे हैं तो वेक्टर आ रहा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर रहा है वेक्टर को हम वेक्टर से ही घटा सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर में ही हम जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर कभी वेक्टर को वेक्टर में जोड़ेंगे तो वेक्टर होगा, और वही वेक्टर को स्केलर में जोड़ेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि इसका वेक्टर को वेक्टर में ही हम जोड़ सकते हैं। चलिए, हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने प्रकार होता है आइए जानते हैं। चलिए, पहला हेडिंग लिखिएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर को एक और नाम से जानते हैं, नल वेक्टर। इसको दो नाम से हम जानते हैं, ठीक। अब आइए जीरो वेक्टर के हम डिफिनेशन जानते हैं। जीरो वेक्टर का डिफिनेशन होता है तो क्या होता है? तो ए वेक्टर हुज इनिशियल इनिशियल एंड टर्मिनल टर्मिनल पॉइंट्स पॉइंट्स आर टर्मिनल पॉइंट्स आर उसके बाद कोसाइन कोसाइन इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों दोनों रखता हो, उसे क्या कहता है? जीरो वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। देखिए, जीरो वेक्टर क्या होता है? इसको क्या चीज सूचित किया जाता है? इट इज, जीरो वेक्टर को जो सूचित किया जाता है तो इट इज डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर। देखिए, वेक्टर का साइन दीजिएगा, ठीक है, केवल जीरो लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, जीरो वेक्टर आपको लिखना है, तो इट इज डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर, तो ये स्पष्ट हो गया, यहाँ जीरो अगर लिखते हैं तो गलत हो जाता, तो यहाँ जीरो वेक्टर का साइन देना पड़ेगा और जीरो लिखना पड़ेगा, तब जाकर इसको जीरो वेक्टर से हम सूचित करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा,
वेक्टर, वेक्टर को जब हम वेक्टर से घटाते हैं तो क्या होता है? वेक्टर होता है, हमने पहले पढ़ाया है। अब देखिए, ए को जब ए वेक्टर को हम ए वेक्टर से घटाएंगे तो क्या होगा? जीरो, जीरो केवल लिखिएगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। जीरो अगर केवल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। कभी भी हमें साइन का चिन्ह देना पड़ेगा। जीरो वेक्टर का चिन्ह दीजिएगा तब तो जाकर यह सही होगा। देखिएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर माइनस ए तो जीरो आ रहा है, जीरो वेक्टर का साइन दे रहे हैं तब जाकर यह सही होगा। अब दूसरा लिखिएगा, दूसरा हेडिंग है, दूसरा हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हिंदी क्या होता है इसका? इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश। आइए इसका डिफिनेशन जानेंगे यूनिट वेक्टर का। सबसे पहले डिफिनेशन जानना चाहिए क्या होता है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख दें, ए वेक्टर हुज हुज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड रखता है अपने पास, ठीक है? तो इकाई सदिश जिस वैसा वेक्टर, एक वेक्टर वैसा वेक्टर जिस जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास रखता हो उसे क्या कहता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है, इकाई सदिश कहा जाता है। ओके, द यूनिट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैफ। इसे हम ए कैफ कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? ए वेक्टर कहेंगे, ठीक? आपने जीरो वेक्टर जाना, जीरो वेक्टर के जाना, और उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर पर आया, यूनिट वेक्टर के जाने। जीरो वेक्टर में क्या रहता था? वेक्टर को वेक्टर से घटा रहे थे, वेक्टर आया था। ये वेक्टर को ए वेक्टर से हम घटा रहे थे तो जीरो वेक्टर आ रहा था, ठीक? अब इसका भी एग्जाम्पल जानेंगे। देखिए यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है यहाँ पर, ए कैप, इसे क्या बोला जाता है? कैप बोला जाता है, ठीक है? आई ए वेक्टर, ए वेक्टर वाई क्या होता? मैग्नीट्यूड, हमने फॉर्मूला में लिखा है जो मैग्नीट्यूड रखता है, मतलब हमेशा उसके पास मैग्नीट्यूड ही होता है। तो देखिए ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर होता है, ठीक है? अगर बी यहाँ पर लिखता है तो नीचे भी बी आता हमारा, अगर यहाँ बी बी लिखता तो बी होता, ठीक? इसके बारे में तो आपने जान गए। अब देखिए तीसरा है, तीसरा क्या है आइए जानते हैं। एक तीसरा है कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर क्या है आइए जानते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है कोलिनियर वेक्टर का? टू पैरेलल, टू पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी क्या? कोलिनियर, टू बी कोलिनियर इफ, यदि दो पैरेलल वेक्टर ए और बी है, ठीक है? सेड टू बी कोलिनियर, वो संरेख होते हैं। कोलिनियर का हिंदी होता है संरेख, ठीक? देखिए ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर,
इसे लैम्डा बोला जाता है, ठीक है, मैथ में लैम्डा बोला जाता है इसको। और यहाँ क्या कह रहा है, दो ए और बी मतलब पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उसे कोलिनियर कहा जाता है, संरेख सदिश कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा देखिएगा, तो बी यहाँ ए बोल रहा था तो ए लैम्डा बी लिखा, अगर यहाँ बी बोलता, बी वेक्टर भाई, तो लैम्डा ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लैम्डा ए वेक्टर। यहाँ ए बोला तो हमने लैम्डा बी वेक्टर लिखा, और यहाँ बी बोला तो हमने लैम्डा ए वेक्टर लिखा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ये दोनों क्या है, संरेख है। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो दोनों क्या है, तो कोलिनियर है, कोलिनियर है, संरेख है, ए और बी संरेख बिंदु है, संरेख है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा तो हो गया, चौथा देखिएगा, चौथा में हम क्या लिखवा रहे हैं, आइए देखते हैं। चौथा एक और होता है, तो को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट, ठीक। चौथा हमने लिखा को इनिशियल पॉइंट, देखिए इसमें क्या होता है, जो तीनों एक ही तल से, जो एक ही लाइन में आकर मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही तल में, देखिए यह अभी यहाँ का मिल गया, ये निकल जाएगा यहाँ पर, यह ठीक वेक्टर का चिन्ह है, ठीक। मूल बिंदु क्या हो रहा है, तीनों एक ही जगह पर आकर मिल जा रहे हैं, ए वेक्टर, इसका नाम दे दे रहे हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आप ए बी सी की जगह दूसरी कुछ दूसरा चीज भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप एल एम एन भी मान सकते हैं, ऐसे तो हम लोग ए और बी सी ही माने हैं, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसलिए माने हैं, ये लिखने में थोड़ा आसानी होता है सब, तो इसीलिए हम ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर इसको मान लिए। देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड, देखिएगा सॉरी एंड होगा, सी वेक्टर आर को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट हो गया चौथा, तो देख लिया को इनिशियल पॉइंट। अब जब हम कल अगले टॉपिक में आएंगे तो कुछ कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो उसके बाद हम जान जाएंगे, उसके बाद से हम एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन आपको बनाएंगे, और आप भी इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।